हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलीम की गली। और आज दोस्तों मैं बताऊंगा आपको ऑनलाइन इंश्योरेंस के बारे में, वो भी लाइव स्क्रीन पर, क्योंकि आप बाहर अगर जाके किसी कंपनी से, एजेंट से अपना बाइक या कार का इंश्योरेंस कराते हैं तो वो आपसे काफी ज्यादा पैसे ले लेते हैं। ऑनलाइन इंश्योरेंस का यही फायदा है कि आपको घर बैठे अपना इंश्योरेंस मिल जाता है, वो भी बहुत कम पैसे में। तो दोस्तों इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने प्ले स्टोर पर, तो हम चलते हैं अपने प्ले स्टोर पे सबसे पहले, ये रहा। और प्ले स्टोर पे आने के बाद हमें सर्च करना पड़ेगा पॉलिसी बाजार ऐप। पॉलिसी बाजार सर्च करने के बाद जो सबसे ऊपर ऐप आ रहा है उसी को ही हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है दोस्तों ऐप डाउनलोड हो चुका है और अब इसे कर लेते हैं ओपन। दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली अपने नंबर से रजिस्टर्ड कर लेना है। तो हम अपना नंबर डालेंगे यहाँ पर, फोन पर एक ओटीपी आएगा और उससे ये दोस्तों इस ऐप में लॉगिन होने के बाद बाइक या कार का इंश्योरेंस कैसे करना है। तो सिंपली हमें क्या करना है, ये जो टू व्हीलर का लोगो यहाँ पे बना हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी बाइक का रजिस्टर्ड नंबर डालना है। तो पहले हम अपनी बाइक का रजिस्टर्ड नंबर डाल लेते हैं यहाँ पे। अपनी बाइक का रजिस्टर्ड नंबर डालने के बाद आपको सिंपली गेट डिटेल पर क्लिक करना है। गेट डिटेल पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे ऑप्शन नज़र आएंगे, तो आपको क्या करना है, मैन्युफैक्चर पे क्लिक करना है। तो आपकी गाड़ी कौन सी कंपनी की है वो इसमें से आप चूज़ करेंगे। हमारी गाड़ी है हीरो की, तो हम हीरो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको मॉडल चूज़ करना है, कौन सा मॉडल है। तो हमारा है सुपर स्प्लेंडर, तो हम सुपर स्प्लेंडर ढूंढ लेंगे इसमें कहाँ पर है। आपकी जो भी गाड़ी है आप अपनी उस हिसाब से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमारी सुपर स्प्लेंडर है तो हम सुपर स्प्लेंडर पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद वेरिएंट आ रहा है यहाँ पे, तो वेरिएंट कौन सा है वो देख लेते हैं। आपका जो भी है आप उस हिसाब से चूज़ कर लेना। हमारा है फिलहाल ड्रम सेल्फ कास्ट, तो हम इसे चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमें अपना रजिस्ट्रेशन ईयर चूज़ कर लेना है। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ईयर है 2018, तो हम 2018 चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम अपना नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो इसमें हमें बता रहा है जो आपका पुराना इंश्योरेंस था तो वो कौन सी कंपनी का था। अगर आपके पास वो इंश्योरेंस है और आपको पता है कि वो कौन सी कंपनी का था, तो आप यहाँ से उसे ढूंढ के सर्च भी कर सकते हैं या इनमें से चूज़ भी कर सकते हैं कौन सी कंपनी का था, तो आप डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप सबसे ऊपर वाले उस पर क्लिक कर सकते हैं, डोंट रिमेम्बर पर। तो मुझे अपना पुराना इंश्योरेंस याद नहीं है कौन सी कंपनी का था, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर लूँगा डोंट रिमेम्बर पर। उसके बाद हमें सिंपली व्यू क्वोट्स पे क्लिक कर लेना है। जो भी आपको इंश्योरेंस चाहिए वो कंपनी आपको दिखा देगी कि इतने में आपको इंश्योरेंस वो कंपनी दे रही है। तो आपको कौन सा चाहिए, आपको थर्ड पार्टी चाहिए या जीरो डेप्थ वाला चाहिए, तो फिलहाल मैं औरों की बात नहीं करूँगा, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मुझे फ़िलहाल यहाँ पे चाहिए थर्ड पार्टी, तो ये राइट हैंड साइड पे ऊपर लिखा है थर्ड पार्टी ओनली, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। तो मैंने करना है अपना बजाज एलियंस से, तो मैं अपने बजाज एलियंस पे, मुझे दिखा रहा है 752 रुपये, तो सिंपली हमने क्या करना है 752 पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्म आएगा, वो आपको पूरा फिल करना है। जैसे ही ये सारा फॉर्म फिल हो जाए उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नॉमिनी नेम लिखना है, तो आप अपने घर में से किसी का भी नाम डाल सकते हैं, अपने भाई का, अपने पापा का या अपनी मम्मी का, किसी का भी नाम डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ अपने भाई का नाम डाल देता हूँ। नाम डालने के बाद आपको नॉमिनी रिलेशनशिप पर क्लिक करना है। नाम डालने के बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है आपने किसका नाम डाला है। उसके बाद नॉमिनी की एज डालनी है। नॉमिनी एज डालने के बाद आपको नीचे यस और नो पे क्लिक करना है। ये पूछ रहा है कि आपकी जो मोटरसाइकिल है वो फाइनेंस्ड है या आपने कैश ली है। तो अगर आपने फाइनेंस कराई है तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर फाइनेंस नहीं कराई है, किस्तों पर नहीं ली है, तो नो पे क्लिक करेंगे। तो हमारी गाड़ी फाइनेंस नहीं है तो हम नो पे क्लिक करते हैं। नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है दोबारा से। UP20 तो आगे लिखा ही हुआ है, पीछे वाला नंबर आपको डालना है। उसके बाद नीचे इंजन नंबर डालना है।
और ये इंजन नंबर आपकी आरसी पे लिखा होता है, तो आप यहाँ पे अपना इंजन नंबर डाल लें आरसी में से देख के। इंजन नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे चेसिस नंबर डालेंगे, वो भी आपको आरसी में से ही मिलेगा। चेसिस नंबर डालने के बाद रजिस्ट्रेशन डेट डालनी है। हमने अपनी रजिस्ट्रेशन डेट भी डालनी है यहाँ पर, और मैन्युफैक्चर डेट भी डालनी है यहाँ पर, तो वो भी हम अपनी आरसी में से देख के डाल लेते हैं। मैन्युफैक्चर डेट में आपको मंथ चूज करना है, तो हमारा अप्रैल का है तो हम अप्रैल चूज कर लेते हैं। उसके बाद आपको नीचे वेरीफाई प्रीमियम पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही हम वेरीफाई प्रीमियम पे क्लिक करते हैं तो अगला ऑप्शन हमारे पास पेमेंट का आता है। 752 रुपये का तो हमारा एक साल का इंश्योरेंस हो गया, और 136 रुपये की GST लगेगी, टोटल हमारा बना 888 रुपये। और नीचे आपकी यहाँ पर डिटेल आ गई है, ये आप पूरी एक बार चेक कर लें। जैसे ही हम पे पर क्लिक करेंगे तो ये हमें अगले पेज पे ले आता है। यहाँ पे हमने क्या करना है, आप डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, और आप UPI से भी इसे पे कर सकते हैं। तो UPI जैसे गूगल पे, फ़ोन पे से आप कर सकते हैं। दोस्तों पेमेंट करने के बाद आपको एक ईमेल आएगा, उसमें PDF फाइल होगी, वो आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, और बस आपका इंश्योरेंस तैयार। और मैंने पेमेंट का प्रोसेस आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मुझे पॉलिसी नहीं चाहिए थी, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये पूरा प्रोसेस मैंने किया है। आप ऐसे ऐसे करके अपना पॉलिसी खरीद सकते हैं पॉलिसी बाजार से। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो आने तक के लिए बाय दोस्तों।